इसमें ये वॉशरूम है, बाथ टब है, और ये बाथ टब दूसरे किसी भी कैटेगरी में नहीं है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस। और ये कवर्ड है जो हर जगह होता है, कवर्ड है, लॉन्ड्री बैग है, कंबल है, चप्पल है, और ये बेड है। और ये बहुत एकदम ह्यूज रूम है, तो बड़ा सा ग्लास लगा है। ये स्टडी टेबल है, या अगर आपको काम करना तो आप काम कर सकते हैं। सोफ़ा है, इसमें कोई बालकनी नहीं मिलेगी आपको, बट व्यू मिलेगा इस तरह का, ये लॉन का व्यू और ये हाईवे का व्यू, जो कि काफ़ी अच्छा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये रेस्टोरेंट जो है वो 100% वेज रेस्टोरेंट है। सो यू विल नॉट गेट नॉन वेज हियर, ओनली वेज फूड इज अवेलेबल। वेज लवर्स आर गोइंग टू लाइक इट। यहाँ के रेस्टोरेंट में जैन मेन्यू भी है। हम लोगों ने ऑर्डर किया है पनीर टिक्का लबाबदार, दाल तड़का, मिस्सी रोटी एंड सम सैलेड। और जीरा राइस भी ऑर्डर किया था, वो आ रहा है। और पनीर टिक्का लबाबदार यहाँ का स्पेशल, यहाँ की स्पेशलिटी है, तो उन्होंने बोला है ट्राई करने के लिए, तो ट्राई करके देखते कैसा है। तो आप लोगों ने अभी देखा था यहाँ का रेस्टोरेंट, अब दिखाते हैं आपको रिसेप्शन। कॉमन वॉशरूम, ओके, ये पूरा रिसेप्शन है। बाहर चलते हैं ना। और ये है लॉन, जो हमारे रूम से भी दिखता है, छोटा सा फाउंटेन है। ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस भी अच्छा, उधर से आपको दिखाओगे बाहर से। हाँ, लेकिन ये मेन रोड है। मेन रोड क्या है, NH44 है। और ये एग्जैक्टली हाईवे पे ही है। अगर आप उस तरफ से भी आ रहे हो, बैंगलोर साइड से भी आ रहे हो, तो यहाँ पे सामने ही एक कट है, तो यू टर्न बहुत ज़्यादा दूर जाके नहीं लेना पड़ता है। ये MP20 वहाँ पे लिखा है, ये रेस्टोरेंट इनका, और ये होटल। हाँ, तो जो लोग रेस्टोरेंट आना चाहते हैं वो लोग डायरेक्टली वहाँ से आ जाते हैं। और ये पूरा का पूरा होटल है। जब गूगल भी किया, इसके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह देखे, तो यूजुअली ये होटल्स लोग बुक करते हैं व्हेन देयर इज अ मैरिज के लिए, और शादी में और किसी और फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे ये कार्ट भी है जो तुमको उस साइड लॉन में और अलग अलग जगह ले जाएगी, क्योंकि थोड़ा बड़ा है तो दूर दूर है, तो सब लोग पैदल नहीं चल पाते। उस साइड पूल है, स्विमिंग पूल भी है, हाँ, वो लिखा हुआ है इन लोगों ने, पूल। ओह हाँ, पार्किंग, पूल, ग्रैंड लॉन। तो पार्किंग तो मैंने देखा है, क्योंकि आज मैंने अपनी गाड़ी पार्क की, तो पार्किंग यहाँ अंदर है, अच्छी पार्किंग है, सिक्योरिटी भी है। यहाँ सामने मैंने लगाई है गाड़ी अपनी, पार्किंग, सिक्योरिटी, सब कुछ है। अभी पूल साइड देखते चलते हैं कि कहाँ है पूल। के रूम है यहाँ पे 3 कैटेगरी, मतलब सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। दे टेक द चार्ज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द रूम। जस्ट द डिफरेंस इज़ दैट सेकेंड वाले रूम में बालकनी है, बट उससे तुमको सिर्फ खेत दिखते हैं, और उसमें जो बेड्स हैं वो अलग अलग हैं। और जो सबसे महंगा वाला है, बहुत बड़ा है रूम, बहुत बड़ा रूम है, सोफ़ा लगा है, जो हम लोग का रूम है। अभी हम लोग इस वीडियो में आपको लास्ट में हमारा रूम दिखाएंगे, तो आप देख सकते हैं कैसा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जो चीपेस्ट रूम है वो छोटा है, उसमें बालकनी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इट्स अ रेगुलर रूम। फाइनली हम लोग स्विमिंग पूल पे पहुंच चुके हैं। क्लीन है। और यहाँ पे कोई पार्टी हुई थी किसी की, शादी की, तो वो सब अभी डेकोरेशन हटा रहे हैं। ये बच्चों वाला स्विमिंग पूल है और यहाँ से देखो ऐसा दिखता है पीछे का साइड। हाँ, तो हमारा व्यू इस तरफ वाला नहीं है, हमारा व्यू ऑपोजिट साइड वाला है जिससे NH44 दिखता है और ये एग्जैक्टली हाईवे पे ही है। रूम बुक किया मेक माई ट्रिप से, जिसमें मुझे 530 रुपीज़ ऑफ मिला बिकॉज वहाँ पे उनका कुछ कूपन का चल रहा था। तो ये सबसे महंगा रूम था जो हमें पड़ा 2000 आफ्टर अप्लाइंग कूपन एंड ऑल 2900 समथिंग में इंक्लूडिंग टैक्सेस। इंक्लूडिंग टैक्सेस, ओके। तो 500-600 रुपये टैक्स थे, बाकी 647 वाज टैक्स, रेस्ट वाज द रूम कॉस्ट। ओके, और उस पे फिर हमें 500 ऑफ। तो ये यहाँ का सबसे महंगा वाला रूम है। इससे नीचे दो और रूम है, एक वाला है सबसे बेसिक वाला रूम जिसमें कोई व्यू नहीं मिलता, रूम है, बेड है और बाथरूम है, एसी है। वैसे दूसरा वाला भी इससे इतना ही बड़ा है, इसमें बालकनी है और इसमें सिंगल बेड्स हैं और उसमें बाथटब नहीं है, बस वो चार वाला एरिया। और ये फैंस जो है ऑटोमेटिक है, ये रिमोट से चलते हैं, हमारे पास रिमोट है पता नहीं कहाँ, तो रिमोट हम लोग मंगवा लेंगे। और अभी तक हम लोग को यहाँ की सर्विस काफ़ी अच्छी लगी है। हम लोगों ने जो भी बोला कि पहले हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया रूम चेंज का, तो उन लोगों ने वो भी कर दिया। फिर हमने ये बेडशीट वाला बुलाया तो वो भी तुरंत आके उसने तुरंत सारा चेंजेस कर दिया। तो अच्छा है यार, इस कॉस्ट में तो जो सर्विस ये लोग दे रहे हैं। और अगर आप लोग बैंगलोर से आ रहे हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये कितना कन्वीनियंट है कि आप यहाँ हाईवे पे रुकते हैं और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल स्टार्ट योर टूर फ्रॉम हियर। तो आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं, फ्रॉम द हाईवे इटसेल्फ। तो अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड बी सेफ।